तो हाय गाइस, एसर मज़ा आ गया, बहुत ही मज़ा आ गया। राइजन 950 900 HX साथ में RTX 3070 का ग्राफिक्स कार्ड, 8GB का ग्राफिक कार्ड और साथ में 8 कोर और 16 थ्रेड वाला CPU, कितने प्राइस में? 1,30,000 रुपये में। बताओ अब, आई खुशी मुस्कान आई चेहरे पे। लेकिन अगर आपको इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस एक अच्छे प्राइस पे मिल रही है तो क्या इसमें झोल है? और अगर झोल है तो क्या आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए? उसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो यार प्लीज़ कर दो, 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं ना, प्लीज़ खुशी मिलती है थोड़ी सी, कर दो। अगर कर दिया है तो बहुत धन्यवाद। चलो यार बिना टाइम वेस्ट करें शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। Ryzen 9 प्रोसेसर इसके अंदर 5900HX वाला, 8 कोर 16 थ्रेड्स है, साथ में 3.3 GHz से लेकर अप टू 4.6 GHz तक आपको बूस्ट क्लॉक स्पीड मिल जाती है। गजब है ना, प्रोसेसर तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी बढ़िया जोड़ी बनाने के लिए इसके अंदर लगा हुआ है RTX का 3070, जो कि 1,30,000 रुपये के प्राइस में, क्या 1.5 लाख के प्राइस में भी RTX 3060 मिल रहा है हमको, जो MSI की तरफ से भी लैपटॉप लॉन्च हुआ है। वही 8GB की VRAM वाला है ये, और आपको जो परफॉर्मेंस देगा ना, गजब परफॉर्मेंस देगा। परफॉर्मेंस को और एनहेंस करने के लिए आपको इसके अंदर 16GB की रैम भी मिलती है, तो धन्य ही धन्य है भाई। अब हम बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, जो कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक है थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को 144Hz की IPS डिस्प्ले मिलती है 1080p वाली। अभी कंट्रोवर्शियल टॉपिक इसलिए है क्योंकि काफी सारी वेबसाइट्स पर और काफी सारे रिव्यूअर्स जो हैं सो कह रहे हैं कि ये डिस्प्ले इतनी बढ़िया नहीं है। 2K डिस्प्ले या 4K डिस्प्ले, QHD डिस्प्ले या फिर 165Hz या 300Hz का आपको इसके अंदर सपोर्ट मिलना चाहिए था। अब देखो यार, सबसे पहली बात तो ये, जो ये वाला लैपटॉप एसर ने लॉन्च करा है, गेमिंग लैपटॉप एसर ने लॉन्च करा है, ये बजट गेमर्स के लिए लॉन्च करा है, जिनको सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए। जैसे कि अगर आपने लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, तो अगर आप PC बिल्ड भी करोगे ना, तब भी आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कोई भी PC नहीं दे पाएगा जितनी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर लैपटॉप दे पा रहा है 1,30,000 रुपये में। क्योंकि 8 कोर और 16 थ्रेड वाला जो CPU है वो 25,000 से 30,000 रुपये में आता है। अब तो मेरे ख्याल से और भी महंगा हो गया होगा, और साथ में 8GB की VRAM वाला ग्राफिक कार्ड तो मेरे ख्याल से 50,000 का ही हो गया होगा, क्योंकि 1660 Ti 6GB VRAM वाला ही जब 30,000 का है तो फिर कहाँ, खेल खत्म ही हो जाता है ना फिर, तो तोड़ लेना यहाँ पे। अब जो लोग कह रहे हैं कि आपको इसके अंदर अच्छी डिस्प्ले मिल सकती थी, मैं उनके साथ हूँ कि हाँ मिल सकती थी, लेकिन फिर जो प्राइस है ना वो भी जो है ज़्यादा हो जाता है। 1,30,000 तो अभी है ही, 40,000 या 50,000 जो है वो पहुँच जाता, तो फिर मुझे नहीं लगता कि एसर नाइट्रो सीरीज़ इतने ज़्यादा प्राइस पर अच्छी लगती है। 1,30,000 तक ठीक है, इससे ऊपर अगर कोई वेरिएंट लॉन्च होगा तो यार फिर उसको लेने का मन नहीं करेगा लोगों का, क्योंकि वहाँ पर एसर ROG सीरीज़ भी आ जाती है और साथ में प्रेडेटर सीरीज़ भी आ जाती है। और दूसरी बात ये कि जो एसर ने ये लैपटॉप लॉन्च करा है वो बजट गेमर्स के लिए लॉन्च करा है, जिनको लाइव स्ट्रीमिंग भी करनी है और साथ में जो है अच्छी गेमिंग भी करनी है। अब अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करोगे तो आपको डिस्प्ले से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जिन लोगों का बजट है 1.5 लाख तक का, वो इसके अंदर एक मॉनिटर लगा लो, आपका काम बन जाएगा। 2K या 4K का मिल जाएगा 20,000 का, साथ में 165Hz या 300Hz जो आपको चाहिए, 20,000 रुपये में एक काफ़ी अच्छा मॉनिटर आपको मिल जाएगा। तो डिस्प्ले के बारे में यही मेरा कहना है कि ठीक डिस्प्ले है, 45% NTSC वाली डिस्प्ले है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही बढ़िया है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही घटिया है। प्राइस को देखते हुए चले तो अब कहीं ना कहीं तो आपको कॉस्ट कटिंग करनी ही पड़ेगी अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहते हो तो। लेकिन अगर मेरे ओपिनियन के बारे में बात करें तो मैं आपको ये कहूँगा, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो ये वाला लैपटॉप ले लो, लेकिन अगर आपको डिस्प्ले के पीछे रोना है रोलो फिर, कोई नहीं सुनना, क्योंकि 1.5 लाख में भी आपको यही वाली स्पेसिफिकेशन मिलती है, मतलब RTX 3060 विद i7 10th जनरेशन वाला लैपटॉप अभी MSI ने लॉन्च करा है, वो ले लो फिर। आज फिर से यहाँ पर लाइट जाती हुई, यू गाइस रोज़ रोज़ की बात हो गई है, ये बारिश आ रही है ना आजकल, तो अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो मैं इस लैपटॉप को परचेज़ कर लेता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। डिस्प्ले से मुझे इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है, क्योंकि 144Hz है, मेरे को अगर 144fps डिस्प्ले पर शो हो रहे हैं मेरे लिए बहुत है। बाकी यार इस वीडियो को लेने लगते हैं क्योंकि लाइट भी जा चुकी है, अब ज़्यादा बड़ी वीडियो करने का कोई फायदा नहीं है। मैम तब से वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।